नमस्कार, मैं हूं सौलज भी, स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड की राजधानी स्थित रायपुर क्रिकेट स्टेडियम को विधिवत ILNFS कंपनी को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में खेल निदेशक विमी सचदेवा और कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट शशिधर ने स्टेडियम संचालन को लेकर MOU साइन किया। इस क्रिकेट स्टेडियम को देहरादून इंटरनेशनल एरिना नाम देते हुए इसका विधिवत शुभारंभ कर दिया गया। बतौर मुख्यमंत्री पहुंचे CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे ऐतिहासिक पल करार देते हुए कहा कि देहरादून अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर जगह बना रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है और यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं भी दी गई हैं। जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम यहाँ पर बना था, आज यहाँ पर जो उद्घाटन हुआ है, मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो खेल प्रेमी हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और भविष्य में यहाँ पर दुनिया के लोग क्रिकेट खेलने के लिए आएंगे और उससे राज्य की तरक्की में भी योगदान होगा और दुनिया उत्तराखंड को भी देख सकेगी। देहरादून से अमित अतुड़ी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित क्रिकेट स्टेडियम में 3 जून से अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज शुरू होने वाली है, जिसको लेकर खेल मंत्री ने लोगों से अधिक पहुंचने की अपील की। साथ ही खेल मंत्री अरविंद पांडे ने खुले तौर पर कहा कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाली T20 सीरीज हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। अगर हम फ्री पास जारी करेंगे तो अफगान बोर्ड और स्टेडियम संचालन करने वाली कंपनी को नुकसान होगा, इससे राज्य की शाख गिरेगी, इसलिए फ्री में पास जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। उत्तराखंड की जनता से अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बार इंटरनेशनल स्टेडियम देहरादून में T20 मैच होने आ गया है, जो उत्तराखंड के लोगों की एक कल्पना थी कि कभी होगा कि नहीं होगा, लेकिन उस मुकाम को हम लोगों ने छुआ है। तो प्रत्येक व्यक्ति की कहीं न कहीं अभिलाषा होती है कि जो मैच हमको देखने को मिले, ये हमको पास के माध्यम से मिल जाए या निःशुल्क मिल जाए। तो अगर जो सब कुछ हम छूट दे के खाएंगे ना, तो कोई व्यक्ति यहाँ अपना काम करने नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छा मैच ही दे देंगे तो यहाँ बहुत से बड़े बड़े पूंजीपति हमारे प्रदेश के अंदर अवस्थापनाओं को विकसित करने के लिए आएंगे और अपना पैसा भी लगाएंगे। देहरादून से अमित रतोड़ी की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found manglik.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1,00,000 से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglik.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on manglik.com, use promo code nation1. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के कटनी में पेयजल की समस्या से जूझ रहे वार्ड वासियों को निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने टंकी बनवाकर प्रयास तो किया, लेकिन यह कारगर साबित नहीं हो पाया। दरअसल साल 2013 में लगभग 1,27,00,000 रुपए की लागत से निगम ने रफी अहमद की दवई वार्ड 15 में टंकी बनवाई, लेकिन इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। वार्ड के लोगों का कहना है कि वे पानी के लिए गटर में भरा पानी उपयोग करते हैं। पानी की समस्या को लेकर कई बार जन प्रतिनिधियों और निगम अफसरों को भी जानकारी दी गई, उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। वहीं जब महापौर शशांक श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही समस्या को दूर करने का आश्वासन जताया है। इसे भर रहे टंकी के नीचे जो गड्ढा है वहाँ से भर रहे हैं। सर, हमारे मोहल्ले में काफी लोगों को पानी की दिक्कत है, तकलीफ है, और हमारे पटेल जी ने कहने का मतलब चौकीदारी ली तो 15 मिनट के लिए पानी चालू करते हैं और फिलहाल टंकी में पानी ही नहीं है। वैसे तो ऐसा हमारा प्रयास है कि सब जगह पीने का पानी उपलब्ध हो। अभी बीच में पिछले 2-3 दिनों में लाइट की जो आपूर्ति बाधित हुई है, उससे कई बार टंकियों में पानी नहीं गया है, क्योंकि एनिकेट में भी पानी पर्याप्त है और हम खदानों से भी पानी हमने लेना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन अगर आपने जो ध्यान दिलाया हमको विषय की गटर से लोग पानी ले रहे हैं और उसके बारे में अगर कोई ऐसी बात है तो हम उसकी जांच करवाएंगे। कटनी से योगेश खरे की रिपोर्ट। उत्तराखंड के रुड़की में NCERT की नकली किताबों के सौदागर को प्रशासन और शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि 4 मई को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नरेंद्र भंडारी ने आर्य पुस्तक भंडार पर छापा मारकर NCERT की नकली किताबों से भरी 8 दुकानों और गोदामों को सील कर दिया था। वहीं जांच समिति के अध्यक्ष डायर प्रचार्य दिनेश लाल शाह से दुकानों की सील खोलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी जानकारी न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।